क्या होता है, धूप में बैठने से स्किन टैन होती है आपकी। बहुत कॉन्शियस हो गया आजकल लड़के भी अपनी टैनिंग को लेके। ना मेरे को कोई दिक्कत नहीं है टैनिंग। सो हाय गाइस, आप सभी को मेरे तरफ से हैप्पी होली। तो आज है मेन होली से पहले वाला दिन, जिसमें यूजुअली खाने पीने की चीज़ें और होलिका दहन करते हैं शाम को। तो हमारी भी कुछ अभी ऐसी प्लानिंग है, दोपहर का टाइम है। तो एक्चुअली मेरे मॉम डैड को आना था आज होली के दिन, और वो लोग जब आते तो ये सब खाने पीने का सामान लेके आते, बट वो लोग को कुछ काम है इसलिए वो लोग आ नहीं पाए, और जो वो वाला काम है वो मुझे मिला है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ होली के लिए कैसे मैं एक माला बना रही हूँ, जिसमें कि खाने पीने का आइटम है। जो फूलों की माला होती है ये बिल्कुल वैसी होती है, बट इसमें खाने पीने का आइटम होता है। तो खाने पीने के सामान को धागे में, तो फिर अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे बनाया और मैंने कौन सा सामान खरीद के लाई हूँ उसमें डालने के लिए। तो चलिए फिर देखते हैं वो माला कैसे बनती है। ये मेरी कुछ माला इस टाइप से बनी है, अभी आप इसमें देख सकते हैं। जैसे इसमें एक नारियल है, यहाँ पे मखाने हैं, ग्रेप्स है, मठरी है, मिठाई है, नीचे चलोगे तो चिप्स है। तो इस तरीके से सारे के सारे खाने के आइटम इसके अंदर हैं। और माला बना के मैंने फाइनली सारी की सारी अपने फ्रिज के अंदर रख दी है। फ्रिज के अंदर इसलिए रखी है, एक्चुअली उसमें एक पीस मिठाई का है तो वो बहुत ज़्यादा मेल्ट हो रहा था, तो वो अच्छे से ठंडा हो जाए इसलिए मैंने उसको फ्रिज में रख दिया है। और अभी हम लोग मिलेंगे जब वो मालाएँ हम लोग पहनेंगे और खाएँगे। ये हमारे सुस्त प्राणी, जो कि एक बार होली खेलने के बाद यहाँ पे ऐसे छुप चुके हैं, और इन्हें अब कोई शौक नहीं है। नहीं खेलना ना तुझे, ये नाक पे कलर तो दिखा दे। हम लोगों ने छोटा सा एक कॉम्पिटिशन रखा है, ये जितने भी बलून्स हमने फुलाए हमने सोचा इनको दो पार्ट्स में बांट के रख लेंगे, और देखते हैं कौन किसको सबसे पहले मार के ख़त्म करता है बलून्स को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से हमने अपनी आज पहली होली मनाई। आई नो मेरी शक्ल बहुत ही बुरी लग रही है क्योंकि मैं पूरी गीली हो चुकी हूँ पानी में। तो कैसा लगा होली मना के? बढ़िया बढ़िया। आज हम लोगों ने मनाई, और रोमियो टिंगू के साथ होली खेली। इनको भी हमने बहुत रंगा और इवन नहलाया भी, बल्कि टिंगू तो डर के मारे नीचे भाग गया। चलो हमारी भी होली ख़त्म हो चुकी है, अब हम लोग वेट कर रहे हैं कि हम जल्दी से थोड़ा सा सूख जाए, उसके बाद। क्या होता है, धूप में बैठने से स्किन टैन होती है आपकी। बहुत कॉन्शियस हो गया आजकल लड़के भी अपनी टैनिंग को लेके। ना मेरे को कोई दिक्कत नहीं है टैनिंग। हम तो होली खेल ही रहे थे साथ में, ये भी देखो पार्क में सभी लोग कितने मज़े से होली खेल रहे हैं। हालांकि सामूहिक तौर पे अभी होली खेलना मना है, बट फिर भी लोग इंजॉय कर रहे हैं। आई थिंक ये अपनी फैमिली ही है जो इंजॉय कर रही है। तो ये कुछ सिनेरियो है होली का, यहाँ पे इस तरीके से लोग अपनी होली मना रहे हैं। तो सुबह होली खेलने के बाद हम नीचे आके सो गए थे, इसीलिए उसके बाद कोई वीडियो नहीं बनी। अभी मैं उठा हूँ और 4:30 बजे हुए हैं, कॉफ़ी हमने पी ली है। तो बाकी आपको आप देख ही लोगे कि वीडियो में कैसे, मतलब हमने कौन सी होली खेली थी, कौन सी वाली थी, इसको क्या बोलते हैं,
तो आप लोगों ने वीडियो में देख ही लिया होगा कि हमने तो ऑर्गेनिक होली खेली थी, और शायद मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों ने भी ऑर्गेनिक होली खेली होगी। ऑर्गेनिक मतलब बिना दारू और बिना इन सब चीज़ों की जो होती है उसको बोलते हैं हम ऑर्गेनिक होली। तो चलिए फिर अभी हम आपसे थोड़ी देर के बाद फिर से मिलेंगे, मैं थोड़ा सा काम कर लेता हूँ, तब तक के लिए टाटा। आज काफ़ी दिनों के बाद हम निकले हैं भिवानी दर्शन के लिए, थोड़े से आपको भी करवा देंगे हम अभी आगे चल के, और भिवानी के दर्शन, हाँ भिवानी के दर्शन ही करवाएंगे, और तो कुछ है नहीं अपने पास, बस हम जाएंगे जहाँ भी। एक्चुअली हम थोड़ा सा बोर हो रहे थे, आजकल जो मौसम है ना होली के बाद एकदम सुस्त हो गया है, हम सुस्त नहीं है, मौसम सुस्त हो गया, तो हम थोड़ा सा पार्क में घूमने के लिए जा रहे हैं अभी, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के लिए, तो मिलते हैं अभी पार्क में चल के। और कुछ बोलना? ना बस पार्क में। अभी हम लोग रेड टेप के स्टोर में आए हैं और यहाँ पे हम लोग अभी शूज़ का कलेक्शन देख रहे हैं, तो शाम का टाइम था, थोड़ा सा शूज़ हमारे पुराने हो चुके हैं, इनको लेके थोड़ा सा इशू हो रहा है, सो वी आर थिंकिंग ऑफ बाइंग सम न्यू पेयर्स ऑफ शूज़, अभी ट्रायल चलेगा। फाइनली हम लोग अभी स्टोर से निकल रहे हैं, ज़्यादा कुछ जो हम लेने आए थे वो हमने ले लिया, उसके अलावा हमें कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा शूज़ कलेक्शन में, सो अभी बैक टू होम, तो अभी आपसे घर जाके वापस मिलते हैं। तो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही, तो इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं अब कल एक नए व्लॉग में, और आई रिक्वेस्ट यू ऑल कल का व्लॉग सभी लोग देखना, क्योंकि कल का व्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल। कल क्या स्पेशल है, क्या होने वाला है वो मैं आपको नहीं बताऊँगी, वो आपको डायरेक्टली नए व्लॉग में दिखाई देगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, गुड नाइट, बाय बाय।